दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें ना सांस फूलेगी ना ही कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देंगे, फिर भी 24 घंटे में ऑक्सीजन लेवल 50% तक पहुंच सकता है। जी हां, और ये बीमारी कोरोना पेशेंट में भी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है और ज्यादातर यंग लोगों में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हैप्पी हाइपोक्सिया या फिर साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में। और साथ ही आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर इसके लक्षण कैसे होते हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर करें ताकि जब हम इसी तरीके की वीडियो लाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले और आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और इस दूसरी लहर में हमें यंग पेशेंट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और कई केसेस तो ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता चला जाता है। शायद आपका ऑक्सीजन लेवल गिर के 50% तक भी पहुंच सकता है और ऐसा होना ही हैप्पी हाइपोक्सिया बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हैप्पी हाइपोक्सिया या फिर साइलेंट हाइपोक्सिया क्या होता है। दोस्तों इस बीमारी में आपको हल्का फुल्का वायरल फीवर होता है और धीरे धीरे ये आपके फेफड़ों पर भी असर करने लगता है और फेफड़ों को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है और इस बीमारी में आपको पता भी नहीं चलता और आपका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे चला जाता है, यानी कि काफी कम हो जाता है और अगर इसमें लापरवाही की तो शायद आपका ऑक्सीजन लेवल गिरते गिरते 50% तक भी पहुंच सकता है और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा आना और चक्कर, ऐसी चीजें हो सकती हैं और इस बीमारी में आपको शायद 2 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ते तक पता नहीं चले, इसीलिए इस बीमारी को हैप्पी हाइपोक्सिया या फिर साइलेंट हाइपोक्सिया कहा गया है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस बीमारी में ऑक्सीजन लेवल कम क्यों हो जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बीमारी में फेफड़ों के बीच में खून जमने लगता है और इन्फेक्शन होने पर पूरा शरीर सूज जाता है, इससे सेलुलर प्रोटीन रिएक्शन तेज हो जाता है और इसी से खून जमने लगता है। इसी वजह से फेफड़ों में सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाता और खून में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जिससे पेशेंट की दिक्कत बढ़ने लगती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर यंग लोगों में ही ज्यादा समस्या क्यों हो रही है। दोस्तों यंग लोगों में इसके लक्षण दिखने को मिल रहे हैं, इसकी 2 मेन वजह हो सकती है। पहला, युवाओं की इम्यूनिटी मजबूत होती है। दूसरा, उनकी ऊर्जा भी अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है, उनकी सहन शक्ति अन्य लोगों से ज्यादा होती है। अगर उम्र ज्यादा है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का 94% से 90% होना भी महसूस होता है। इसके उलट युवाओं को 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन पे भी लक्षण महसूस नहीं होते, वो कुछ हद तक हाइपोक्सिया को सहन कर जाते हैं। ज्यादातर युवाओं में माइल्ड लक्षण भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने में देरी हो रही है, इससे उनमें मौतों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आमतौर पर बात करें तो एक्टिव होने की वजह से इस समय युवा वायरस से ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है, हालांकि अब भी सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ही है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर इसके कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो कैसे पता लगाएं। मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर पर अपनी ऑक्सीजन चेक करती रहनी होगी। हैप्पी हाइपोक्सिया में होठों का रंग बदलने लगता है, हल्का नीला हो जाता है, स्किन लाल या फिर बैंगनी हो जाती है, गर्मी में ना होना या फिर कसरत ना करने के बाद भी लगातार पसीना आता है, खून में ऑक्सीजन कम होने के लक्षण भी सामने आते हैं। दोस्तों आखिरी में इतना ही कहूंगा कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको दिन में 2 से 3 बार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना होगा और अगर आपको इस वीडियो में बताए हुए कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Perfect.